हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइस। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। हाय, स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक इंडिकेटर पे बात करने वाले हैं, लीडिंग इंडिकेटर पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा फ्रेंड, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई डाउट ना आए। तो अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट में करके पूछ लिया कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, और आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि आज जो बात करने वाले लीडिंग इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपका इंट्राडे में कहीं ना कहीं जो काम करने के जो तौर तरीका है उसमें काफी बदलाव आएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं investing.com के चार्ट पे आया हूं, और यहाँ पे सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स। मैं ज्यादातर जो टेक्निकल एनालिसिस जो करता हूँ, investing.com को ज्यादातर यूज करता हूँ। तो जो इंडिकेटर है फ्रेंड्स, वो है ADX। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हालांकि ADX इंडिकेटर के नाम से नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जो करना है जो investing.com में, उसको डायरेक्शनल मूवमेंट के नाम से इंडिकेटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे इंडिकेटर को लगाना है आपको ये पता चल गया। यहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट के नाम से इंडिकेटर मौजूद है, जो कि जिरोधा में, आप अगर जिरोधा का यूजर हैं तो वहाँ पे आपको ADX मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं कि कैसे काम करना है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिकेटर के बहुत से अपना ड्रॉबैक होते हैं, एडवांटेज होते हैं, मगर मैं आज बात करने वाला हूँ कि कुछ ऐसा सेटअप जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। हर एक इंडिकेटर का एक सेटअप हो जाता है, अगर उस इंडिकेटर अगर वो सेटअप में आ जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, जो ADX जो है, ये है क्या फ्रेंड्स? देखिए, ये इससे आप ट्रेंड का क्या, कितना मजबूत ट्रेंड बना है, ये आप जानकारी ले सकते हैं। ट्रेंड जो कब चेंज हो सकता है, ट्रेंड आपका कब चेंज हो सकता है उसका आप अंदाजा ले सकते हैं। मार्केट रेंज बाउंड कब है उसका आपको ये फिल्टर करके दे देता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप रेंज बाउंड से बच जाइए। आपका जो भी नैरो रेंज में मार्केट चल रहा होता है तो वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करवा देता है, तो ये पहले फिल्टर करके दे देता है। नेक्स्ट फ्रेंड, आगे चलते हैं और इसमें कुछ कंपोनेंट हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन लाइन आपको दिख रहे होंगे, तो ये तीन लाइन एक्चुअली में क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। तो फ्रेंड, जो ADX जिसको हम बात करते हैं, ADX, तो ये जो रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है ये है ADX। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका ADX, ADX लाइन इसी को बोलते हैं। मगर ये जो एक पीला टाइप का जो लाइन है और एक जो ब्लू टाइप का लाइन है, ये फ्रेंड्स दो है DI, एक है ये -DI है, ये जो पीला टाइप का जो है -DI है, और ये जो ब्लू कलर का है ये +DI है। इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, जैसे देखे ना MACD में हिस्टोग्राम होते हैं, MACD सिग्नल लाइन होते हैं, जीरो लाइन, उसी तरीका से इसमें तीन कंपोनेंट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसमें करना क्या है, कब क्या करना है, इसका क्या फिल्टर हम करें, और कौन सा सेटअप, मैं बोला कि कौन सा सेटअप सबसे ज्यादा काम करता है जो मैं आज बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाइएगा, क्योंकि इसी के बीच में मैं बता दूं और आप कहीं वीडियो स्किप करके आगे चले जाएं। तो फ्रेंड्स, इस चीज को देखिएगा, मैं बहुत ही आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारी की सारी जानकारी आपको मिल सके। तो जैसे मैं बोला फ्रेंड्स कि ADX आपके ट्रेंड की क्या मजबूती है वो बताने की कोशिश करता है। तो ये लाजमी है फ्रेंड्स कि जब भी ट्रेंड मजबूत होगा तो जो ADX, जो ADX लाइन है, इसको ऊपर जाना चाहिए। और ऐसा नहीं फ्रेंड कि ADX नीचे तो मार्केट नीचे, ऐसा नहीं होता है, लिख लीजिएगा।
आप, मैं जो भी बोलता हूँ, आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो आपसे मैं एक निवेदन करूँगा कि आप डायरी और पेन लेके बैठें और कुछ वहाँ से नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो समझ में ना आए फिर से देखिए, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ज़्यादा सीखना है आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मगर आप यहाँ पे भी हद तक सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या करना है। आप अगर आप कापी कलम लेके बैठेंगे तो आप कुछ कुछ चीज़ें नोट कर लेंगे, तो आपको वहाँ पे फिर जब अपना एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि ए जो एडीएक्स, तो पहला समझ गए कि एडीएक्स लाइन ऊपर जाए तो बाई या नीचे जाए सेल, ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए, यहाँ से एडीएक्स लाइन ऊपर जा रहा है मगर मार्केट नीचे की ओर गिरते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी ये ऊपर जा रहा है तो एक जो भी ट्रेंड बना है वो अच्छा चलेगा। जो भी ट्रेंड बना, चाहे वो सेल का बना हो या बाई का बना हो, अगर एडीएक्स लाइन ऊपर जा रहा है तो जो ट्रेंड बना है वो अच्छा से चलने वाला है। और फ्रेंड्स, जब भी आप एडीएक्स यूज करें तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन 40 पे ड्रॉ कीजिएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन 40 के करीब में यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये आपको फ्रेंड बताता है, जब भी देखिए एडीएक्स लाइन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना ऊपर जा रहा है आपका ट्रेंड मजबूत बन रहा है, बट प्रॉब्लम वहां पे कि जब ये ऊपर चला जाए, जब 40 के ऊपर चला जाए, 40 के ऊपर मतलब जो 40 के लाइन है उसके ऊपर चला जाए, और ऊपर आने पे जब ऊपर से फिर 40 को क्रॉस कर जाए, आप फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40 के ऊपर चला जाए और फिर नीचे आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। तो फ्रेंड देखिएगा, ये जो ट्रेंड बना था वो अच्छा खासा चला, उसके बाद जब ये जो गया, देख लीजिए ये जो ऊपर जो गया, उसके बाद फिर जो एक छोटा सा जो ट्रेंड बना ना, ये जो छोटा सा जो बाई का ट्रेंड बना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल हुआ, फिर से मार्केट नीचे गिरा। तो देखिए कितना बखूबी यहाँ पे काम किया है, ये यहाँ पे एडीएक्स लाइन बहुत अच्छा काम किया है। तो एडीएक्स लाइन आप समझ लीजिए कि एडीएक्स लाइन जब भी कोई ट्रेंड बनता है तो उसको ऊपर होना चाहिए। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जब भी एडीएक्स लाइन का वैल्यू 20 से नीचे है तो वहां पे ट्रेड ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी एडीएक्स लाइन का वैल्यू 20 से नीचे हो जाए तो वहां पे ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मार्केट ज्यादातर रेंज बाउंड में चले जाते हैं या रेंज बाउंड में ऑलरेडी रहता है। तो आप पहला एडीएक्स लाइन आपका क्लियर हुआ थोड़ा सा। फ्रेंड्स देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे जो ऑनलाइन कोर्स जो प्रोवाइड करता हूँ उसमें जो लोग आते हैं वहाँ पे इतना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन, इतना आंसर मिलता है कि वो लोगों को पूरा परफेक्ट वे में समझ में आ जाता है कि इसको कब यूज करना है, कब नहीं करना है, कब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये जो प्लस डी आई और माइनस डी आई ये क्या बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो प्लस डी आई माइनस डी आई आपस में क्रॉस ओवर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, क्रॉस ओवर कर रहे हैं, तो जब भी एक क्रॉस ओवर करते हैं तो एक बाइंग सेलिंग का भी ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको, मैं एक लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा और वहां से आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा कि इसको किस इंडिकेटर के साथ ज्यादा यूज में लाना है। तो ये बात बनती है, आप देखिए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये जब बाइंग सेलिंग का देता है तो यहां पे, तो यहाँ पे भी बाइंग हो गया, 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 तो क्या हर जगह बाइंग सेलिंग करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर इतना पोजीशन बनेगा, आप पीछे देखिए इतना बार अगर पोजीशन बनेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको समझने की चीजें हैं, इसको थोड़ा सा फोकस करके समझिएगा। तो जब भी ये एडीएक्स लाइन ये क्रॉस ओवर करे ना, तो एक जो प्लस डी आई और माइनस डी आई के बीच में जो भी ऊपर जाएगा उसका सिग्नल होगा, यानी कि जब भी ये क्रॉस ओवर करके पीला लाइन ऊपर गया यानी कि सेल का, जब भी ये नीचे गया तो बाई का। मगर ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट ये दोनों के बीच में, एटलीस्ट अगर ये दोनों के बीच में एडीएक्स लाइन और प्लस डी आई माइनस डी आई के अगर जो है, अगर इसका मिनिमम, इसका जो मिनिमम फ्रेंड्स, इसका जो मिनिमम जो वो डिस्टेंस है, इसका जो मिनिमम जो डिस्टेंस जो बना के रखा है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है 16 को दे रहा है, यहाँ पे ये 26 का दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वैल्यू है मिनिमम 15 अगर रहे तो अच्छा है, मिनिमम 15, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 15 होना चाहिए तो ये अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिनिमम आपको इतना का रिक्वायरमेंट तो है ही, इतना से कम में काम नहीं चलेगा।
अगर इतना के कम में दे रहा है तो वहां पे आप उसको निगलेक्ट कीजिए, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए आपको क्या करना है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि अब आपको जब भी ऐसा दिखे तो देखिएगा कि क्या ये दोनों लाइन का बीच में डिस्टेंस क्या है, और एडीएफ का भी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, मैं बता दिया कि 20 से नीचे रहे तो आपको ट्रेड ना करे तो अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ एक सेटअप के बारे में। अभी तो आपको देखिए, अब यहाँ पे ये है तो अब यहाँ पे सेल करेंगे, नहीं सेल करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे पहला कैंडल ऐसा बना है मार्केट गैप डाउन में, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसा जब आता है। तो देखिए अब यहाँ पे आइएगा तो देख लीजिए, ये तो इसका बीच का डिफरेंस 15 होगा, 20 होगा ही नहीं। ठीक है, जब भी देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए घूम रहा है, तो मार्केट भी देखिए यहाँ से यहाँ तक में घूम रहा है। ठीक है, और दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिए अब ये तो इतना गैप अप हो गया इसको, तो मतलब यहाँ पे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा मैं जो बताना चाहता हूं कि जब भी ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, गैप अप या गैप डाउन ज्यादा हो, कोई भी इंडिकेटर आपको अगर लगे कि 90 डिग्री पे चल रहा है, तो वहां पे टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे। चाहे वो आपका एमएसीडी हो, चाहे आरएसआई हो, चाहे एडीएक्स हो, या कोई भी इंडिकेटर हो, आप वहां पे ट्रेडिंग इंडिकेटर बेस्ड तो करना ही नहीं है। तो उसके बाद आते हैं जो मैं एक सेटअप के बारे में जो बताना चाह रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ताकि आपको ना, एक एडीएफ पे ऑलरेडी वीडियो था फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको ये चीजें जो मैं बताना चाहता हूं वो आपको परफेक्ट वे में समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे देखिए यहां पे इतना चला है, देखिए यहां पे इतना चला है, तो देखिएगा दोनों के बीच में आपको देख लीजिए है ना, देख रहे हैं आप 15 से ज्यादा का डिफरेंस है, और देखिए कितना अच्छा से चल रहा है, देख लीजिए, देखिए बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस, और देखिए मार्केट कैसे जा रहा है, देख लीजिए। और रेडियस का भी वैल्यू आपका देखिए 40 से ऊपर है, और 40 से ऊपर अगर आरएसआई ऊपर जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो वो तो मतलब मत कहिए कि क्या होने वाला है, वो मार्केट बहुत ऊपर का है, तो नीचे गिरेगा या बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ट्रेड बन सकता है फ्रेंड्स। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये तो बहुत अच्छा ही था, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई भी लगा हुआ था, तो बहुत अच्छा एक ट्रेड बना था। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बना था, देख रहे हैं। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ एक उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, अभी जो कहीं करंट में ऐसा कुछ बना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड, जब भी ये इस तरीका से बने, इस तरीका से जो मैं दिखा रहा हूँ, फोकस यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जब भी एडीएक्स लाइन प्लस डीआई और माइनस डीआई के बीच से जा रहा हो, और माइनस डीआई ऊपर जा रहा हो, माइनस डीआई एडीएक्स के ऊपर हो, उस स्थिति में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मार्केट चलते रहता है। देख लीजिए ये क्या हुआ कि एडीएक्स बीच में है, माइनस डीआई ऊपर है, और देखिए मार्केट सीधा सीधा नीचे गिर रहा है, देखिए यहां से गिर रहा है, देखिए गिरते जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, देखिए गिरते जा रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इस चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, और आगे दिखाते हैं, देखिए और आगे देखिए, अब यहां पे तो नहीं करना है ना, मैं बताया ना कि ये तो 90 डिग्री वाला हो गया, चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, देख लीजिए ये 90 डिग्री वाला हुआ, मगर कुछ समय के बाद देखिए फिर वही हुआ, जब भी ये ऊपर है जब तक तो नहीं आएगा, और मार्केट ऐसा नहीं कि ये जब कट कर देगा तो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं, जब तक ए एडीएक्स लाइन ऊपर जा रहा है, ट्रेंड मजबूत बनते जा रहा है, और ए प्लस डीआई माइनस डीआई के बीच में जो मैंने बताया कि मिनिमम 15 का जो डिस्टेंस जो है ना होना चाहिए, 15 पॉइंट का डिस्टेंस दोनों के बीच में होना चाहिए, देखिए अब यहां पे देख लीजिए, जब तक ऊपर है मार्केट ऊपर, देख लीजिए ए प्लस डीआई यहाँ पे ऊपर है, तो देख लीजिए ए एडीएक्स बीच में है, देख लीजिए, चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण, देख लीजिए ए ऊपर 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 ऊपर, जब तक प्लस माइनस डी आई ऊपर था, जब तक माइनस डी आई ऊपर था, ए इंडिकेटर सीधा सीधा वही वैसे चल रहा है। फिर आगे देखने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे कहीं देखते हैं फ्रेंड्स, और एक कोई एक स्टॉक में नहीं फ्रेंड्स, हर स्टॉक में काम करेगा। देखिए ए ऊपर वाला तो भी मैं दिखाया आपको, देखिए एक कैसे चल रहा है, देख रहे हैं जब तक ए माइनस डी आई ऊपर है तब तक तो चल ही रहा है,
और जब ADX ऊपर चला गया, 40 के ऊपर चला गया और ये दोनों के बीच में डिफरेंस काफी है, तो ऐसे में तो और मार्केट चलेगा ही चलेगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जब ऐसा आपको सेटअप दिखे ऐसा कि बीच से ADX जा रहा हो, उसके ऊपर प्लस DI हो या माइनस DI हो, तो फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा सेटअप होता है ADX इंडिकेटर में। बात समझ रहे हैं? और इसमें कैसे काम करना है, कैसा, तो सारी की सारी चीजें मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करता हूँ और वहां से लोग सीख के अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि मैं वहाँ इंडिकेटर पे कैसे काम करना है, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे इसको यूज नहीं करना है, कौन सा सेटअप कब बन सकता है, वो सारी चीजें पे बात करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको देखिएगा कि मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड चल रहा है, तो आपका ADX लाइन जब भी दोनों लाइन के नीचे चल रहा हो, ADX लाइन जब भी प्लस DI और माइनस DI के नीचे चल रहा हो, कोई ट्रेडिंग नहीं करना है, कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है। ये आपको रेंज बाउंड स्थिति से, आपको रेंज बाउंड स्थिति को दर्शा देता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहां से मार्केट आ गया है नीचे, यहां से नीचे आ गया, देखिए मार्केट कुछ कर नहीं रहा है, देख लीजिए कुछ नहीं कर रहा, जब तक ये दोनों लाइन के नीचे है कुछ नहीं करेगा, अब जब दोनों लाइन के ऊपर जाना शुरू किया, 20 के ऊपर जाना शुरू किया, अब देखिए इसका क्या होने लगा, देख लीजिए। तो ये आपको फिल्टर करने में आपको हेल्प करता है कि भैया ये नीचे चल रहा है तो यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए, तो आपको यहाँ पे रेंज बाउंड से भी बच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब तक ऊपर तो ऊपर, चलिए यहाँ पे देखिए, जब तक ऊपर था तो देखिए, जब भी ये बीच से जाए तो और अच्छा बात है, जब बीच से निकले ना फ्रेंड्स तो और अच्छा है, देख लीजिए जब ऐसे करके जा रहा है, देखिए ऊपर है, जब तक तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मैं प्लस DI की बात कर रहा हूँ, प्लस DI ऊपर जा रहा है तब तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और रेडियस तो ऊपर जा ही रहा है, इसको सपोर्ट करेगा ऊपर जाने में, ये ट्रेंड बनेगा, जैसे जैसे ट्रेंड बनता है वो आपको ADX लाइन के वैल्यू बढ़ते चले जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए, फिर से वही मिल गया आपको, अब यहाँ पे ही बोल दिया कि भैया यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, और देखिए मार्केट में भी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये आपको फिल्टर करके दे देता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसको आप अगर उपयोग में लाएंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इंट्राडे में। और मैं जो चार्ट फ्रेम यूज किया, देख लीजिए 15 मिनट पे यूज करके दिखाऊं, तो आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए और कहाँ पे क्या है उसको आप बताने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है या आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो जो भी आपका डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ लिया कीजिए, ताकि आपकी सारी की सारी बातें समझ में आ सके। और फ्रेंड देखिए कैसे काम करता है वो आपको मैंने बता दिया, और फ्रेंड जो भी मैं लास्ट में जो इंडस्ट्री में जो वीडियो दे रहा हूँ वो गेम चेंजिंग है, बहुत से लोगों ने उसको सराहा है, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको जरूर देख लीजिए, वो गेम चेंजिंग रहने वाला है वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।